बहुत हंसी वाली बात है। अब उसमें से कितने लोगों को अच्छा लगता है और कितने लोगों को बुरा पता नहीं, लेकिन 100% मैं आज बात करूंगा आपको कमाल राशिद खान की। कैसा है इंसान, बंदर भी इतने जल्दी गुलाटी नहीं मारता होगा, रफ 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 मारते रहता है, पैसे लेके रिलीफ देता है। किसी भी बड़े एक्टर का हो सकता है रिव्यू बुरा दे दे, उसको कोई लेना देना नहीं उस फिल्म में उसने कितनी मेहनत की। केदारनाथ और छिछोरे दो फिल्मों में सुशांत ने कितना अच्छा काम किया है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में केआरके ने इतना घटिया रिव्यू दिया था कि अब ये रिव्यू गलत है, ये तो आप सबको समझ ही आ गया। अब ये पैसे दे के रिव्यू देता है ये भी समझ में आ गया। अब कल जो कमल राशिद खान की बेल हो गई, कहा केआरके जेल से बाहर निकल गए, क्योंकि मुंबई पुलिस को भी इतना ही बताया गया था कि पुराना एक 2020 के ट्वीट के हिसाब से अंदर गया, तो कमाल राशिद खान बाहर आने के बाद क्या बोलते हैं। आज की एक बात बताऊं, सुशांत के केस में कम से कम 6-7 बार में पुलिस के अंदर गया, कई बार मेरे को 24 घंटे से ज़्यादा भी रखा गया। जब मुंबई एयरपोर्ट से उठाया गया था, दिल्ली में प्रोटेस्ट करने गया, यहाँ आते ही उठा लिया था, तब 24 घंटे से भी ज़्यादा था। बल्कि मेरी FIR नहीं की थी, तो FIR ना होते हुए अंदर आपके साथ क्या होगा पता नहीं। FIR अगर हो तो फिर कोर्ट में आपको साबित करना पड़ सकता है, यू विल बी सेफ। लेकिन अगर FIR ही ना हो तो फिर क्या कर लोगे। वो तो मैंने लाइव वीडियो कैमरा ऑन किया तो मैं बच गया, वरना तो किसी को पता ही नहीं चलता किसने उठा लिया। ये तो गुंडागर्दी चल ही रही है ना। तो ऐसे है KRK का तो FIR था, तो उसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। फिर भी हम लोग, मैं पलटा गया कभी नहीं, हम तो खड़े रहे। और कभी कोई प्यार से बात किया क्या? मुंबई पुलिस के बाहर निकलने के बाद भी वीडियो बनाया, इस सालों तुम लोग अंदर कमरे में जाके मारते हो, तुम लोग घटिया हो, तुम लोग ये हो, सीधा सीना ठोक के बनाया। नहीं डरते, मारते हैं अंदर पता है, लेकिन मैं डरने वालों में से हूँ क्या? लेकिन KRK ने ऐसी हरकत कर दी, अंदर जाते ही बोला मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये पुराना मेरा ट्वीट था जिसकी वजह से मुझे अंदर किया गया था, लेकिन अब मुझे छोड़ दिया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। ये क्या था? अरे बात पे अटल रहो भाई, बात पे अटल रहो, तय रखो। बॉलीवुड के खिलाफ थे ना तो बोलो, आज भी क्यों नहीं बोला तुमने कि नहीं मुझे तो ऐसे अंदर किया, मुझे वैसे अंदर किया, इस वजह से किया, उस वजह से किया। अब वीडियो नहीं बनाया, ट्वीट किया और बोला कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये क्या होता है? मैं तो घंटा मेरे को डाले तो सही 2 दिन के लिए, उसको तो कम से कम 10-12 दिन रखा था। और देखो ऐसा नहीं है, एक पुराने ट्वीट के लिए अंदर किया, और ऋषि कपूर साहब के बारे में बोला, लेकिन इरफान खान साहब के बारे में बोला, लेकिन एक दिन ठीक था, एक दिन में उसको समझ में आ जाता था, इतने दिन अंदर रखने का बनता नहीं था। ये बात भी है, दोनों तरफ से बोलूंगा, क्योंकि KRK का भी चलो जो भी है रिव्यू दे रहा है अपनी मर्जी है भाई। एक तरह से अच्छे लोगों के लिए रिव्यू बुरा नहीं देना चाहिए जो उसने छिछोरे और केदारनाथ में दिया, लेकिन रिव्यू है, क्या कर सकते, आपकी मर्जी है, आप क्या रिव्यू दे रहे, आपको क्या लगता है इस बारे में इसकी। लेकिन अजय सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड में उसके अगेंस्ट तो ठीक है, क्योंकि वो रिव्यू वैसे भी उस फिल्म का उसने अच्छा नहीं दिया था, लेकिन रिव्यू तो रिव्यू है, वो दे सकता है, उसकी मर्जी है क्या रिव्यू देना है क्या नहीं देना। अब उसको अच्छी पिक्चर अच्छी लगती है, बुरी पिक्चर बुरी लगती है, या फिर एक अच्छी पिक्चर भी बुरी लग जाती है उसको, तो क्या बोल सकते हैं उसको। लेकिन वो 2 फिल्म का नहीं देना चाहिए, लेकिन बाकी फिल्मों का भी दिया उसने, बच्चन पांडे का अच्छा रिव्यू दिया था, हालांकि उससे पहले अक्षय कुमार की एक भी पिक्चर का अच्छा नहीं दिया था। तो चलो पैसे का भी होता है इनकम, लेकिन KRK को बोल के क्या फायदा? बहुत सारे लोग पैसा लेके रिव्यू देते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारे ट्वीट के पहले, बहुत सारों के ट्वीट के पहले जब उसको इस बार अंदर किया, तो मुझे लगता है 2 दिन में छोड़ देना चाहिए था, ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी कि उसका बेटा इस बारे में लिखे कि सुशांत की तरह मेरे पिता के साथ भी कुछ भी हो सकता है। दिस इज समथिंग ज्यादा हो गया, इतने दिन अंदर रखने का नहीं बनता था। तो चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, अभी क्या करें। लेकिन बाहर आने के बाद वो KRK का जोश नहीं दिखाई दिया तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए सर जी, मजा नहीं आया। मैं तो वेट कर रहा था कि ऐसा कोई वीडियो आए तुम्हारा कि बोलो ऐसा क्या मुंबई पुलिस ने, देखो बॉलीवुड वाले मेरे खिलाफ ये साजिश कर रहे वो साजिश कर रहे, तुम तो आके एकदम भीगी बिल्ली बन गए कि भैया नहीं मैं तो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैंने पहले ट्वीट किया था उस वजह से मुझे अंदर किया था, अंदर हाँ ये जरूर लिखा KRK ने कि मैं अंदर का खाना पीना कुछ भी नहीं खाता था, सिर्फ पानी पे से ना था, इसलिए मेरा 10 किलो वजन कम हो गया।
क्या होता है बताए? इंसान बदलाव किसी डर की वजह से अगर होता है या किसी इसकी वजह से होता है तो वो बदलाव बदलाव नहीं है, वो डर। और ये दो चीजों की वजह से होता है। कोई अगर बोलता है मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, अगर ये इंसान कोई बोलता है, इसके दो रीजन, या तो वो डर के मारे बोल रहा है या तो वो धार्मिक हो गया आदमी। क्योंकि जब इंसान बोलता है कि मुझे मेरे दुखों की सजा इस कारण मैं ही हूं, क्योंकि जब आप दूसरों के ऊपर डालते हो कारण, तो दूसरों को तो रोकने का कोई तरीका ही नहीं। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि मेरे दुखों का कारण मैं ही हूं, क्योंकि अगर आगे वाला मुझे कुछ बोलता है तो वो मुझे लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई गाली देता है और मैं ले ही नहीं रहा हूं तो फिर मुझे लगेगी कैसे, जैसे गौतम बुद्ध को नहीं लगती। तो ये के यार के भाई साहब डर गए या तो फिर धार्मिक हो गए, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। क्योंकि जो इंसान अपने आप को गुनहगार मानता है या तो वो डर जाता है या तो फिर धार्मिक हो जाता है कि तुमको तो ज्ञान मिल गया 10-12 दिन पुलिस स्टेशन में रहने के बाद, क्योंकि वही ज्ञान मिलता है भाई, या तो वहाँ डर मिलता है या ज्ञान मिलता है, ये दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि पुलिस स्टेशन के हमने भी बहुत सारे रास्ते काटे सुशांत केस के बाद, भले क्राइम नहीं किया हमने, कोई भी क्राइम नहीं किया हमने, तो फिर भी प्रोटेस्ट किया भगत सिंह के ना, भगत सिंह ने जो सिखाया हमें, गांधी जी ने जो सिखाया, फिर भी हमको पुलिस अंदर कर रही थी। चलो हमें तो पिटाई भी की, हमने सब कुछ किया, लेकिन हम डरे नहीं, हमने तो आगे आप ही भी बोल रहे हैं कि भाई साहब आपने गलत किया, हमने गलत नहीं किया था, बिल्कुल ही नहीं बोल रहा। आज भी मुंबई पुलिस के सामने सीना ठोक के बोलता हूँ कि भाई तुमने गलत किया, मैंने किया, कोई मुझे नहीं बोल सकता। तो इस तरह से मेरे हिसाब से खड़े रहना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अंदर शायद व्यवहार देखो, मुंबई पुलिस का व्यवहार किसी इसके साथ अच्छा होता ही नहीं। और जब कोई पुराने ट्वीट को लेके इतने साल बाद अगर किया जाता है, तो ऑफकोर्स ये बात भी है कि कहीं ना कहीं उसको बोला गया है कि इनको थोड़ा सा समझ सिखाओ, क्योंकि अब और कोई रास्ता बचा नहीं। जितने भी YouTube व्यूवर्स होंगे, YouTube रिव्यू देने वाले होंगे, और वो किसी फिल्म का कंटिन्यूली बहुत सारी फिल्मों का बुरा देंगे, तो फिर ये कार्रवाई हो सकती है, ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन किस किस का मुंह बंद करोगे? KR के तो शुरुआत है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं और बहुत सारे लोग बड़े भी हैं, बड़े हैंडल भी हैं। चलिए, फिल्म का रिव्यू मेरे हिसाब से पब्लिक को समझ में आना चाहिए। पब्लिक ऑडियंस भगवान है, ऑडियंस ही सब कुछ है। पब्लिक को देखना है या नहीं देखना है, ये पब्लिक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, रिव्यू देने वाले का अपना मत है। बॉलीवुड में इसमें इन दोनों के चक्कर में घुसना नहीं चाहिए, उनको अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप कैसे इंसान हो उस पे ध्यान देना चाहिए, आप लोगों की भावनाओं का आघात ना करें इस पे ध्यान देना चाहिए, तब जाके शायद आपकी इज्जत हो सकती है, जो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन KRK के बारे में यही खबर थी जो आपको मुझे बताना था। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।